हेलो जी, श्रीमती राम राम। तो देखिए हम लोग कहाँ पर हैं, ये है नाग मंदिर, वो आपको दिखाएंगे। यहाँ पर नाग मंदिर का मेला बहुत जबरदस्त लगता है। हमने प्रसाद ले लिया, ये नमक जो है ना, नमक चढ़ाया जाता है यहाँ पर, और ये प्रसाद लिया। ये देखिए यहाँ का भी, ये देखिए प्रसाद होता है ये टेस्ट में गलत थोड़ा सा ना, टेस्ट है ना। शुगर टीका इतना चलागा, बहुत चलागा। ये देखिए हनुमान जी। तो मैं आपको जो है नाग भगवान के दर्शन नहीं करवा पाई, क्योंकि अंदर जो है ना कैमरा अलाव नहीं था। हम दर्शन करके आ गए हैं बाहर, तो यहाँ जो है बाहर जो मूर्तियाँ रख रखी हैं, तो उनके लिए हम धूप वगैरह लगा रहे हैं। तो बाहर से जो भी करना है बाहर से ही होता है, अंदर कुछ भी करना अलाव नहीं है। और बहुत ही सुंदर है, पूरी चांदी के बने हुए हैं अंदर भगवान। और ये जो मिट्टी का प्रसाद आपको बता रही ना, तो ये मिट्टी का प्रसाद इसलिए लेते हैं, किसी को भी जो है ना सांप वगैरह काट जाए तो उसको बाहर लगा देते हैं, और खाने को लिए भी दे देते हैं। तो ये आपको दरबार दिखाऊंगी जूम करके। यहाँ से हमने दर्शन किए थे, यहाँ से हम लोग जो हैं बाहर निकले थे, तो सॉरी उसके लिए। माथा टेक लिया है मंदिर में, और मंदिर में जो है फोटो खींचना वीडियो बनाना मना था, तो आपको मैंने बाहर बार का व्यू शेयर कर दिया है। और यहाँ देखिए यहाँ झूले वगैरह है, लेकिन हमारा अभी टाइम हमारे पास नहीं है, झूलने का टाइम नहीं है अभी, क्योंकि हम लोगों ने जाना आगे और लेट निकले हम घर से। खाली झूले पड़े हैं सारे, जो है ना तब तो जो है बाहर रहते हैं, तो उसके बाद जो है चलता रहता प्रोग्राम, लेकिन जो मेन बार होते हैं ना तो एक महीने के रहते हैं। तो ये है मंदिर का एंट्रेंस, ये देखिए यहाँ से ज़्यादातर ये जो है यहाँ का आने का रास्ता है। और बहुत ज़्यादा मेला लगा हुआ है, बहुत लंबे रास्ते तक जो है ना मेल दुकानें लगी हुई हैं। ये देखिए ये सिंगल प्लेट आलू छोले की, और ये एक भटूरा है ये खाली, और ये भी एक भटूरा है, टेस्टी है। दुकान ये है, आगे भी है, और ये साथ में लाइन से दुकानें लगी हुई हैं खाने की। आलू छोले खा लिए, किसी ने भटूरा, एक भटूरा मैंने खाया, एक भटूरा किसी ने खाया, क्योंकि ना लंच हमने ऐसे ही किया था, घर में बहुत ज़्यादा काम था और बनाने का टाइम ही नहीं मिला हमें। और यहाँ का देखिए, ये देखो कहाँ तक दुकानें लगी हुई हैं। देखिए कम से कम 1.5 किलोमीटर तक जो है दुकानें लगी हुई हैं। खरीदना अब चली गई चंडीगढ़, तो अभी मिलेंगे सर्दियों में, लास्ट सर्दियों तक। तो ये जो नाग मंदिर है, तो ये रानीताल और मंगला मुखी माता के बीच में जो है ना पड़ता है ये। तो कौन कौन यहाँ पर आया है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और कोई नहीं आया है तो आ सकते हैं। आपको जो अलग यानी कि रानीताल चौकी रानीताल जो है और बंगला मुखी माता के बीच में आई है, तो इसमें और
प्रॉपर प्लेस जो है दरकाटा पड़ता है। तो हम भी बहुत सालों के बाद जो है ना हम लोग आए यहाँ पर, बहुत दिनों से सोच रहे थे बाहर चले गए लेकिन आ नहीं पाए। तो महर्षि को बोला चलो बेटा चलते हैं, नहीं तो फिर हम सोचते रह जाएंगे और जाना नहीं होगा हमारा। तो काफ़ी यानी कि जब छोटे छोटे थे ना, ऋषि याद आ रही है आपको, जब छोटे छोटे थे तब आए एक बार तो आया हूँ मैं, बहुत मुझे अच्छे से याद है ना। तो काजल को भी याद है, काजल भी आने वाली थी लेकिन हुआ नहीं, वो चली गई चंडीगढ़। फिर मैं टाइम नहीं मिला, घर का काम इतना चला हुआ है ना, वुडन वर्क खिड़कियों के, तो आपको आपको भी दिखा नहीं पा रही हूँ मैं वीडियो नहीं टाइम से अपलोड कर पा रही हूँ। तो ये जो है आपको लिंक रोड भी दिखाएंगे, जहाँ से जो मेन रोड से लिंक रोड निकलता है वो भी दिखाएंगे आपको, तो भी पता चलेगा आपको। तो कम से कम 1 किलोमीटर से जो है ना व्हीकल कोई नहीं जाता है मंदिर तक। दुकान कर रहे हो और फोन एप्पल करिए, ये जलेबी ले ली है। हम लोग चल पड़े, तो ये है लिंक रोड, ये है ज्वाला जी और बंगला मुखी की है ना, तो ये है रणताल और बंगला मुखी के लिए रास्ता।